हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और आप सब लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये मेरे नए साल का पहला व्लॉग है। इससे पहले जो है वो मैं अपना व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मेरी और धनवी की दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। हम दोनों को कोल्ड हो गया था। मेरा एक नाक से पानी और एक अंक से पानी, दोनों से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही थी। तो इसलिए जो है वो मैं अपना व्लॉग नहीं बना पाई। खैर, अभी हमें कोल्ड हुए 3-4 दिन हो गए हैं और अभी हम थोड़ा ठीक फील कर रहे हैं, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अभी मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ तो अपना व्लॉग जो है मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज से मैंने अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और आगे जो है वो मैं आप लोगों को व्लॉग में धनवी से ज़रूर मिलाऊंगी, पर अभी धनवी जो है वो सो रही है, तो जैसे ही वो उठेगी तो मैं आप लोगों को उससे ज़रूर मिलाऊंगी। और बहुत से लोग मुझसे ये पूछेंगे कि मैंने इसी व्लॉग में स्पेक्स क्यों लगाए हुए हैं। रीज़न ये है कि मेरी जो आई साइड है वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो जब मैं अपना व्लॉग जो शूट करती हूँ तो मेरा मतलब कि आई कॉन्टैक्ट कैमरे के साथ करना बहुत ही बहुत मुश्किल हो जाता था। मतलब मैं कर लेती थी, ऐसा नहीं था कि नहीं हो पाता था, पर मैं कर लेती थी, पर बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो जब से मैंने स्पेक्स लगाया है तो मतलब मेरा बहुत ही ईजी हो गया है आई कॉन्टैक्ट फ़ोन के साथ करने में, तो इसलिए मैंने स्पेक्स लगाए हुए। हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरे फेस पे जो है वो स्पेक्स नहीं अच्छा लगता, पर क्या करें, मजबूरी है तो लगाना तो पड़ेगा ही, तो इसलिए बस लगा लिया, क्या करें। तो अभी तो चलो मेरी बकबक यहीं पे ऐसे ही चलती रहेगी, तो मैं अपनी बकबक को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और व्लॉग को अपना स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, प्लीज़ गाइस, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना कि आप लोगों ने न्यू ईयर को कैसे सेलिब्रेट किया और आप लोगों का न्यू ईयर कैसा गया। मेरा तो न्यू ईयर जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, क्योंकि मैं और धनवी न्यू ईयर वाले दिन ही बीमार हो गए थे, तो इसलिए हमारा न्यू ईयर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। तो आप लोग जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कि आप लोगों ने न्यू ईयर को कैसे सेलिब्रेट किया। तो चलिए आइए अभी हम अपने व्लॉग को स्टार्ट करें। जो है वो मैं किचन में आ गई हूँ, तो मैं बनाने जा रही हूँ इडली, और इडली के साथ नारियल की चटनी। नारियल की चटनी जो है वो खाने में बहुत टेस्टी लगती है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने हरा धनिया, 3 हरी मिर्च, अदरक और 2 लहसुन की कलियाँ और नमक, और जो नारियल है उसको कट करके मैंने जार में डाल दिया। दूसरी तरफ जो है वो मैं मूँगफली को फ्राई कर लूँगी। मूँगफली जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों को जार में डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो दूसरी तरफ जो है वो मैं चटनी के लिए तड़का तैयार करूँगी। तड़के के लिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी और उसमें राई के दाने डाल दिए हैं। राई जैसे ही हमारी चटकने लग जाएगी तो उसके बाद जो है यहाँ पर मैं हींग का यूज़ करूँगी। हींग जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो रहने भी दे सकते हैं। और यहाँ पर आप कड़ी पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं, पर कड़ी पत्ता जो है वो मेरे पास उस टाइम नहीं था, तो मैं जो है वो कड़ी पत्ता नहीं यूज़ कर पाई, पर आप जो है कड़ी पत्ते को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तड़का जो है वो मेरा तैयार हो गया है, तो यहाँ पर जो मैंने नारियल की चटनी का पेस्ट बनाया हुआ था वो मैं इस तड़के में डाल दूँगी। और तड़के में डालने के बाद मैं तुरंत ही गैस को बंद कर दूँगी, तो हमारी जो नारियल की चटनी है वो बनकर तैयार है। तो मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी, और दूसरे बर्तन में निकालने के बाद जो मेरा बचा हुआ धनिया था उससे मैं इसको डेकोरेट कर दूँगी। तो हमारी जो नारियल की चटनी है वो बनकर तैयार है, और ये खाने में भी बहुत ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, खास करके इडली के साथ। और वैसे तो आप इसे हर चीज़ के साथ खा सकते हैं, पर ये इडली के साथ खाने में बहुत ही बहुत टेस्टी लगती हैं, तो आप लोग भी इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। इडली बनाने के लिए मैं इस कंपनी का जो है वो बैटर यूज़ कर रही हूँ, इससे आप इडली और डोसा दोनों ही बना सकते हैं। और इडली बनाने के लिए मैंने इस बैटर को 10 मिनट पहले ही फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दिया है, जिससे कि हमारा बैटर जो है वो थोड़ा सेट हो जाए, जिससे कि जब हम अपनी इडली बनाएंगे तो हमारी इडली जो है वो सॉफ्ट और स्पंजी बनेगी। और इसकी जो नेट क्वांटिटी है वो 1 kg है। अगर आपका बैटर बच जाता है तो आप इसे नेक्स्ट डे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी बैक साइड इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इसे कैसे यूज़ करना है, तो आप इसे वहाँ से भी पढ़कर यूज़ कर सकते हैं। इडली के लिए जो बर्तन हम यूज़ कर रहे हैं उसको मैंने पानी से भरकर गैस के ऊपर रख दिया है, और दूसरी तरफ जिस बर्तन में हमने इडली बनानी है उसको मैं घी से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। जब हमारी इडली बन जाएगी और जब हम उसे चाकू की हेल्प से निकालेंगे तो हमारी इडली जो है वो आसानी से निकल जाएगी।
बर्तन को घी से ग्रीस करने के बाद यहाँ पर जो बैटर है वो मैं इस बर्तन में डाल दूंगी, और हमें बैटर जो है वो ऊपर तक पूरा फिल नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इसे ऊपर तक फिल कर देंगे तो हमारी इडली जो है वो अच्छे से नहीं फूलेगी, तो इसलिए हमें यहाँ पर बैटर जो है वो कम कम यूज़ करना है। और दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पर जो बर्तन यूज़ कर रहे हैं उससे हम एक टाइम में जो है वो 12 इडली बना सकते हैं आसानी से। इसी बैटर को यूज़ कर हम डोसा भी बना सकते हैं। इडली बनाने के लिए हमें गाढ़ा बैटर चाहिए होता है जो कि हमारे पास है, और डोसा बनाने के लिए हमें पतला बैटर चाहिए होता है। तो पतला बैटर बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जिससे कि हमारा बैटर जो है वो पतला हो जाएगा। तो पतला हो जाने के बाद हम इससे जो है डोसा भी बना सकते हैं। इडली को बर्तन में भरने के बाद हम इसे जो है वो इडली पकाने वाला जो बर्तन है उसके अंदर डाल देंगे। इडली का जो सांचा है वो इडली पकाने वाले बर्तन में हम जब उसे रखेंगे तो हमें बहुत ही ध्यान से उसे रखना है, क्योंकि हमारा बर्तन जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, तो उसे हमें बहुत ही ध्यान से डालना है उसके अंदर। उसके बाद जो है वो हम अपने बर्तन को ढक्कन से ढक देंगे और इसे भाप में पकने के लिए जो है वो हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हो जाने के बाद हम ढक्कन ओपन करके देखेंगे और हम एक चाकू या फिर टूथपिक की हेल्प से इस इडली के अंदर डालेंगे। अगर हमारा टूथपिक और चाकू जो है वो क्लीन निकलता है तो इसका मतलब हमारी इडली जो है वो बनकर तैयार है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब है कि हमें इसे 2 या 3 मिनट के लिए और भाप में पकाना है। आप देख सकते हैं हमारी इडली जो है वो बनकर तैयार हो गई है, और इसे मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाने के बाद चाकू की हेल्प से इसे निकालूंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि चाकू की हेल्प से हमारी इडली जो है वो कितनी आसानी से निकल गई है और ये कितनी सॉफ्ट बनी है। और आप भी इसे अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं, और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। तो आप लोग भी इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, और आप लोगों के जो भी एक्सपीरियंस होंगे वो आप मेरे साथ शेयर करना मत भूलना, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। बोलो हैप्पी आप सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर। बोलो भी हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा सबको बाय कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय मम्मा चैनल। अच्छा बाय कर दो सबको, बाय टेक केयर। आज दनवी जो है वो बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसको मिल गया है ये चॉकलेट, तो ये अपने चॉकलेट में बिजी है। मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। तो अभी के लिए बाय एंड टेक केयर।